सभी भाइयों को, दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ प्रकाश और आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग फिर से एक नया डिजाइन बनाने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए, हमेशा की तरह आज का जो सिंपल है, मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का डिजाइन को किस प्रकार से बनाएंगे। इसका पूरा स्टेप इस वीडियो में मैंने शेयर करना है। लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने न्यू पेज में आ चुका हूँ। सबसे पहले तो टूल बॉक्स से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ में स्क्वायर बना लेते हैं और उसका साइज को मैंने यहाँ पर डाल देना है 200x200 और इंटर प्रेस करेंगे, पी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। डुप्लीकेट के लिए कीबोर्ड में से प्लस का सिंबल एक बार प्रेस कर लिया, साइज को मैंने यहाँ पर डाल देना है 140x140 और इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे दो बार। इस तरीके से ये बन जाना है। बार क्लिक डिसलेक्ट, फिर से टूल बॉक्स में से वेजियर टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाना है परपेंडिकुलर और थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर देना है इस तरीके से। कंट्रोल ए करेंगे और जी करेंगे इस तरह से। बार क्लिक डिसलेक्ट, इसको मैं जूम कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहना है। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और सेम टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मिड पॉइंट क्लिक करेंगे, इंटरसेक्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर से मिड पॉइंट क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको मिड पॉइंट ठीक ऊपर में मैंने क्लिक कर देना है। इस तरीके से सिलेक्ट रहते हुए मैंने यहाँ से इसका विड्थ को बढ़ा देना है, 4 कर देता हूँ इस प्रकार से। और एक बार क्लिक करेंगे और ये लिंकर पॉइंट को यहाँ पर डाल देंगे सेंटर में, बाकी को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे कीबोर्ड में से। सिलेक्ट करेंगे वापस और ऑल्ट एफ सेवन प्रेस करेंगे ट्रांसफॉर्म को ओपन करने के लिए। मैंने यहाँ से ओपन करना है, ऑलरेडी ओपन करके रखा है। रोटेशन ऑप्शन में क्लिक करेंगे, एंगल में 355 और कॉपीज में यहाँ पर 50 डाल देता हूँ और इंटर प्रेस करेंगे इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर काम कर देना है 20 डाल देना है और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गैप रह गया तो मैं यहाँ पर कॉपीज में 1 कर देता हूँ और यहाँ से मैनुअली मैं सेट करूँगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। बार क्लिक डिसलेक्ट, कंट्रोल ए करेंगे और जी करेंगे, मैं छोटा कर लेता हूँ। इस तरीके से बन चुका है। इसका एक डुप्लीकेट मैंने बना लेना है। इस तरीके से ड्रैग करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैंने इसको कलर कर देना है। राइट क्लिक करके यहाँ पर पकड़ना है, कंट्रोल के साथ में इधर घुमा देना है, राइट क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा, पी प्रेस करेंगे वापस इसमें आ जाएगा। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, कंट्रोल जी करेंगे ग्रुप हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ इस प्रकार से, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको इधर से यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लगभग ठीक है इस तरीके से। बाहर क्लिक डिसलेक्ट। दोस्तों, यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को भी। आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।